हेलो, राज को फोन दीजिए प्लीज। वो ऑफिस में नहीं है मैडम। अगर वो आए तो उन्हें बोलेगा मेरा फोन था। प्रिया जी? हाँ हाँ, प्रिया का। उन्हें बोले इमीडिएटली फोन करने को, मैं घर ही पे हूँ। जी मैडम। थिंक ऑफ द डेविल एंड द डेविल इज हियर। बंदा हाजिर है राइट इन फ्रंट ऑफ यू। राज, तुम कहाँ थे? मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। मैं भी तुमसे बहुत जरूरी बात करना चाहता हूँ। मैं भी कितना गधा हूँ, उल्लू का पट्टा हूँ, इडियट हूँ। पिछले 2 साल से मैं तुमसे शादी के वादे किए जा रहा था कि अगले महीने, पर आज अचानक मेरी मुलाकात एक दीवाने से हो गई। क्या नाम था उसका? हाँ, देवकरण सिंह। यस, देवकरण सिंह। क्या आशिक है, व्हाट अ टेरिफिक गाय, माइंड ब्लोइंग। उसने तो मेरी आंखें खोल दी प्रिया, और मैंने फैसला कर लिया कि मैं तुमसे शादी अगले महीने नहीं, अगले हफ्ते ही करूंगा। नो मोर बिजनेस प्लानिंग, ओनली फैमिली प्लानिंग। कम ऑन, लेट्स डांस। बात कुछ और है। इससे भी ज्यादा खास बात क्या हो सकती है? राज, बैठो ना प्लीज, बैठो। राज, मैं शिप से आ रही थी और क्या? और अरे मुबारक भतीजे। हाय लागू चाचा जी। सलाम चाची। बेटा, बहुत बहुत बधाई हो प्रिया। इस उल्लू ने फोन करके बताया। शादी की बात सुनकर तो मेरा जीवन धन्य हो गया। और भतीजे, हमने बिल्कुल टाइम नहीं बिगाड़ा। टेलीफोन रखा, फ्लाइट पकड़ी, गाड़ी निकाली और अपना दिवाला भी। आप ही बस। ये जेवर, ये कंगन और ये शगुन का जोड़ा हमारी बहू के लिए। और ये दुल्हे का जीजा फ्री। वाह प्रिया, तुमने तो कमाल कर दिया। इन्हें शादी के लिए तैयार कर लिया। अब भैया का दिमाग बदले, इससे पहले चट मंगनी पट ब्याह। मगर धूमधाम से। हाँ। नाचना गाना हंगामा। क्या ख्याल है चाचा जी, हो जाए कल से शुरू? अरे कल से क्यों, अभी से काल करे सो आज करे सो अभी। और उम्र भी थी जा है बेटे, फिर करेगा कभी। पाए लागू चाचा जी। अरे जुग जुग पियो मेरे लाल, जुग जुग पियो। मेहरबानी, मुझे उस पागलखाने से बाहर निकालने की। 2-4 घंटे और रहता ना तो वो पागल लोग मेरा मानसिक बलात्कार कर देते थे। हंसी आ रही है तुझे? हंसी आ रही है? पता है उन पागलों में एक जंगली था। रात भर मैं उसको समझाता रहा, भाई साहब ये मेरा पेट है, नगाड़ा नहीं है। फिर भी वो कमबख्त रात भर लकड़ा लेकर धबाधब पीटता रहा। कुछ देर और ये सिलसिला चलता ना तो ये ढोल फट चुका होता। तुझे हंसी आ रही है? हंस ले, लेकिन कुछ देर बाद रोएगा तू। जब ये इश्क का भूत तेरे सर से निकल जाएगा ना, तब रोएगा। मैं बोलता हूँ उस सिंगानिया के पैर पकड़ लेते, वरना भूखों मरेंगे। चल नटू, अपना काम हो गया। Excuse me. कहिए क्या है? देखिए शायद आपको पेंटर की जरूरत है। मैं पेंटर हूँ, कहिए क्या पेंट करना है। हाँ, स्पीड ब्रेकर गतिरोधक। क्या गतिरोधक? काला पट्टा सफेद पट्टा, समझे? एक झापड़ मारू क्या? अरे देवकरण जैसे महान पेंटर को तो स्पीड ब्रेकर पेंट करने को बोलता है। नटू क्या बोल रहा है? मैं बूढ़े, एक फूक मारूंगा ना, सीधा कब्र में जाके गिरेगा। देखो मियाँ, माँ की गाली दे दो, लेकिन सेहत के बारे में कुछ मत बोलना। सेहत के मामले में हम बहुत ही टची हैं। ऐसा टच करूंगा ना, फच हो जाएगा। नटू बस, देखिए भाई साहब, इनकी बातों को बुरा मत मानिए। ठीक है, मैं पेंट करने के लिए तैयार हूँ। तो उठाओ ये डब्बा और हो जाओ शुरू। शुक्रिया। अरे चल मारूंगा ना, घूमता रह जाएगा। तू स्पीड ब्रेकर क्यों पेंट कर रहा है? स्पीड ब्रेकर क्यों पेंट कर रहा है मतलब कोई इश्विश्क में है क्या? आजकल सारे आशिक स्पीड ब्रेकर पेंट कर रहे हैं। मुझे लगा तेरा भी कोई इश्क लफड़ा है, इसीलिए स्पीड ब्रेकर पेंट कर रहा है। अपना ऐसा कोई चक्कर नहीं है, ये मेरी रोजी रोटी है। अच्छा तो बीड़ी लाना। तो लेना। हाँ तो माचिस ढूंढने जाऊँ क्या? ढूंढ। हाँ तो ढूंढता हूँ ना। 100, 200, 300, 350 ये लो तुम्हारी आज की मजदूरी। ये देखना तो मेरी जिंदगी की पहली कमाई, मैं इससे कैनवस लूंगा और मैं बड़ा पाऊं। ए नटू, बहुत भूख लगी है यार।
चलिए वेंटर बाबू, गर्मा गर्म खाना तैयार है, आइए। दो दिन के बाद खाना खाने का मजा ही कुछ और होता है। वाह, अरे खा लेना मेरे बाप, फिर ठंडा हो जाएगा तो मेरे को नहीं बोलना। तू खा ले, मैं खाता हूँ। एक बात बोलूं, सचमुच कमाल की होगी वो लड़की जिसने तुझ जैसे शैतान को बदल दिया। बता तो सही यार, दिखती कैसी है तेरी प्रिया, बोलती कैसे, हंसती कैसे? बहुत खूबसूरत है मेरी प्रिया, इन रंगों की तरह, गुलाबी आंखें, सुनहरी आवाज, इंद्रधनुष के रंगों जैसी मुस्कान। देव, ये क्या किया तूने? हाँ, क्यों, अच्छी नहीं है? अच्छी? अरे बहुत अच्छी है, माइंड ब्लोइंग है, फैंटास्टिक है, तूने तो जादू कर दिया मेरे दोस्त। अरे क्या पेंटिंग बनाई है यार, इसके तो हमें मुंह मांगे दाम मिलेंगे। और ये वाली, इट्स ब्यूटीफुल, इट्स जस्ट ब्यूटीफुल। अभी पूरी तैयार नहीं हुई। अरे तो जल्दी से तैयार कर दोस्त, इसकी तो बोली लगेगी बोली। नहीं नट्टू, इसे मैं कभी नहीं बेचूंगा। क्यों? ये प्रिया के लिए, सिर्फ प्रिया ही समझ पाएगी कि ये महज एक तस्वीर नहीं, एक एहसास है, लम्हा है, छवि है मेरे प्यार की। अब आप ही बताएं मौसी, मैं क्या करूं, क्या करूं मैं? कोई भी फैसला करने से पहले तुम्हें अपनी बचपन की सहेली मधु से मिल लेना चाहिए। मधु? लेकिन वो तो बैंगलोर में है अपने पति के साथ। नहीं, वो वापस अनाथ आश्रम आ गई है हमेशा के लिए। बेंगलोर स्टेशन पर भटकते हुए किसी ने इसे देखा, हमें रिपोर्ट की, हम जाकर इसे अनाथ आश्रम ले आए। लेकिन इसका पति, इसके ससुराल वाले? छोड़ दिया इसके पति ने इसे किसी और लड़की की खातिर। डॉक्टर कहते हैं ये पूरी तरह अपना मानसिक संतुलन खो बैठी है, इसने कई बार आत्महत्या करने की भी कोशिश की। जाहिर है तुम किसी के खातिर अपना सब कुछ न्यौछावर कर दो और वो अचानक आकर तुम्हें कह दे कि हम तुम्हें हमेशा के लिए छोड़कर जा रहे हैं, तो ये सुनकर कोई भी बावरा हो सकता है, तुम भी, राज भी। इसे ले जाओ। तुम शादी से इनकार करना चाहती हो, लेकिन जानते हो इसका असर क्या होगा? ये सदमा राज सह सकेगा? तुम चाहती हो कि राज की भी हालत वही हो जाए जो आज मधु की है? वो भी पागलों की तरह तुम्हारी याद में पल पल मरता रहे। प्रिया, मैं मानती हूँ तुम्हारे प्यार में ही तुम्हारी खुशी है, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि राज की खुशियों के खातिर अपना प्यार कुर्बान कर देना ये तुम्हारा फर्ज है? अब फैसला तुम्हें करना होगा, तुम प्यार निभाना चाहती हो या अपना कर्तव्य। एक बात याद रखना बेटी, तुमने राज को ठुकरा दिया तो आज के बाद कोई शरीफ लड़का किसी अनाथ आश्रम की लड़की का हाथ थामने की हिम्मत नहीं करेगा, नहीं करेगा। प्रिय देव, मुझे माफ कर देना,
क्योंकि वादे के अनुसार मैं 14 फरवरी को गेटवे पर तुमसे मिले नहीं आ सकूंगी। हिम्मत समझना कि मेरा प्यार तुम्हारे लिए खत्म हो गया है, लेकिन मैं राज के एहसानों को जिंदगी भर नहीं चुका पाऊंगी। एक लड़की के लिए उसका पति ही भगवान होता है, लेकिन मैं अपने भगवान को अपना पति बनाने जा रही हूँ। मुझे माफ कर देना। क्या हुआ? मैंने तेरी औरत बेच दी 50,000 में। अच्छा, और वो दूसरी वाली का क्या हुआ? अरे उसको भी बेच डालूंगा, वो छमिया के तो पूरे 1,00,000 रुपया लूंगा। बेशरम बेहया मर्द, दलाल कहीं का ये थप्पड़ का को मार दिए। अरे तेरे जैसा आदमी का तो खोपड़ी तोड़ के खोपड़ा पाक बना देना चाहिए। खोपड़ा पाक। फिर तूने औरत को भेजा तो मैं तेरी बकरी सी तेरे हाथ में दे दूंगी, समझा? नखो जाए तारू बदमाश, चल चेरू इन्हें मरवा दे। तेरी तो हंस गए। मैं घर जा रहा हूँ। ठीक है, जा जा। अरे दोस्त, ऐसे क्या देख रहे हो? औरत बेच दी मतलब औरत की तस्वीर बेच दी। तस्वीर मतलब कि तुम चित्रकार हो? हाँ। तो फिर यहाँ क्या कर रहे हो? पैसे कमा रहा हूँ। रात भर घर पे पेंटिंग बनाता हूँ और दिन भर यहाँ होर्डिंग। सोते कब हो? अब तक तो सो ही रहा था दोस्त, लेकिन अब जाग गया हूँ। या तो तुम पागल हो या तो फिर प्रेमी हो। दोनों हूँ, पागल प्रेमी। अब बात समझ में आई। इतनी सवेरे, इतनी जल्दी? जल्दी नहीं, ठीक वक्त पर। आओ यहाँ बैठो। प्रिया, अगले 2 दिनों में हम पति पत्नी बन जाएंगे। विल बी मैरिड टू ईच अदर। मैं चाहता हूं कि शादी से पहले हम दोनों के बीच कोई ऐसी बात छुपी ना रहे जो बाद में पता चलने पर हमें से किसी एक को तकलीफ पहुंचाए। अब जो मैं तुमसे कहने जा रहा हूं उसे गौर से सुनना। तुम जब सिंगापुर गई थी तो लंदन के एक सेमिनार में मेरी मुलाकात माया से हुई। पहले ही मुलाकात में हम दोस्त बन गए और देखते ही देखते दोस्ती का प्यार में बदली, इसका हमें पता नहीं चला। और जब एहसास हुआ तो मुझे तुम्हारा ख्याल आया। मैंने कहा मेरी तुमसे शादी होने वाली, और मैंने उसे साफ साफ कह दिया कि वो हमेशा हमेशा के लिए मुझे भूल जाए। यह बात सुनकर माया का दिल टूट गया, लेकिन प्रिया, मैंने जो किया ठीक किया ना? नहीं राज, तुमने बिल्कुल ठीक नहीं किया। अगर तुम माया से प्यार करते हो तो तुम्हें उसी के पास जाना चाहिए, अपना प्यार निभाना चाहिए राज, क्योंकि प्यार से बढ़कर और कुछ नहीं होता। तो फिर देव के प्यार को ठुकरा कर मुझसे शादी करने क्यों जा रही थी तुम? थैंक गॉड देव अब इस पते पे नहीं रहता, और तुम्हारे हाथों से लिखा हुआ यह खत मेरे हाथ आ गया। वरना पागल हो गई तुम प्रिया? जिस आदमी ने तुम्हारे प्यार के खातिर सारी दुनिया को छोड़ दिया, तुमने उसे कह दिया कि वो तुम्हें भूल जाए? किस लिए प्रिया, किस लिए? Why? सिर्फ इसलिए कि तुम ये समझती कि मैंने तुम पर कुछ एहसान किए? आई एम सॉरी प्रिया, आई एम सॉरी। भले ही तुमने मुझे भगवान का दर्जा दिया हो, मगर असल में तुम मुझे अपना दोस्त भी नहीं समझती। नहीं राज, नहीं। मैं क्या? नहीं मैं क्या प्रिया, दोस्त कभी दोस्त पर एहसान नहीं करते। ये अकेडमी, ये घर, ये सब अपनी काबिलियत के बल पर तुमने खुद बनाया। इसे एहसान समझकर तुमने अपमान किया अपने हुनर का, कला का और हमारी दोस्ती का भी। फिर भी अगर दुनिया तुमसे कहे कि तुम एहसानों तले दबी हो, तो भी तुम्हारी मंजिल सिर्फ देवी है, क्योंकि प्यार से बढ़कर वाकई कुछ नहीं होता।
14 फरवरी राइट 14 फरवरी को तुम देव से मिलने जाओगी जरूर जाओगी और यहीं से उठेगी तुम्हारी डोली राज मैं तुम्हारा एहसास